डी ए स्टूडेंट्स एथिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एन इम्प्लाईज ईगो स्ट्रेंथ इज हीज अर हर अबिलिटी टू अंडरटेक सेल्फ डायरेक्टेड टास्क एंड टू कोप टेंस सिचुएशन टेंस सिचुएशन में इम्प्लाई के बिहेवियर को जज किया जाता है अ मैय ऑफ अ वर्कर्स इज द एक्सटेंट टू विच हीव अ कंफ्यूज अदर इन अनसर्टन सिचुएशन इन अ कम्प्लेक्स सिचुएशन वट विल बी द बिहेवियर ऑफ द आर्गेनाइजेशन अब इस बिहेवियर के लिए इम्प्लाइज की साल दो तीन साल ट्रेनिंग होती है चाहे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो या ऑफ जॉब ट्रेनिंग हो मकसद ये है कि उस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है उसके लिए इम्प्लाई को पहले वेल well ट्रेन किया जाता है इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एथिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन एथिकल बिहेवियर इन एंड आर्गनाइजेशन डिपेंड अपॉन इम्प्लायर बिहेवियर एंड इम्प्लाईज़ बिहेवियर इंप्लायर बिहेवियर ये है कि उसने आर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे डिवेल्प किया हुआ है इम्प्लाईज़ बिहेवियर ये है कि उसने अपने बिहेवियर को आर्गेनाइजेशन कल्चर के मुताबिक डिज़ाइन किया हुआ है इम्प्लाईज़ विदर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल फील्डियर इज़ कंट्रोल्ड बाई एक्सटर्नल फैक्टर फॉर एग्जाम्पल रूल्स रेगुलेशन सेफ्टी हेल्थ प्रोफेशनल अगर ये सारी चीज़ें इन अलाइंड हैं

सरकमस्टानसिस को नहीं देखना कि अगर कोई सरकमस्टानसिस ऐसा है तो हम गलत काम कर लें नो नेवर एवर सही काम होना चाहिए गलत काम को अवॉइड करना चाहिए अगर दो गलत काम मिला के एक सही काम हो सकता है वो भी नहीं करना आपने यू हैव टू चूज़ राइट वर्क राइट प्लेस राइट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ही तब होती हैं जब इम्प्लॉज प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते तो इंजरीज डिजास्टर किसी किस्म की एक्टिविटीज़ पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं थर्ड वन इज़ दैट फुल पोटेंशियल अप्रोच सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल शुड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन हाउ द आउटकम इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ दो इन्वॉल्व टू अचीव देर फुल पोटेंशियल एम्प्लाई को अपनी फुल एफर्ट पुट करनी चाहिए अब ये नहीं है कि काम ठीक नहीं हो रहा इट डजेंट मैटर काम ठीक नहीं हो रहा आप काम करने का अंदाज सही होना चाहिए अप्रोच सही होनी चाहिए आउटकम डिजायर्ड नहीं भी निकलती नो no प्रॉब्लम लेकिन आप लोगों ने अपनी मैक्सिमम एनर्जी पुट करनी है कंपनीज रोल इन एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो अमल दखल है वो एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल फर्म्स हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर अमंग देयर एम्प्लाईज एम्प्लाई को पहले दिन से अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे तो आप उसे आउटकम कैसे ले सकते हैं वो ट्रेनिंग चाहे कैजूअल हो चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो ऑफ जॉब ट्रेनिंग हो जिस किस्म की भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में है और जिस कैडल के मुताबिक जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो एम्प्लॉय को इनकलकेट करनी चाहिए क्रिएट एन इंटरनल एनवाइट दैट प्रमोट एक्सपेक्ट्स एंड रिवार्ड एथिकल बिहेवियर जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल बिहेवियर को प्रमोट नहीं करेंगे उसके बेस पे रिवार्ड नहीं मिलेगा एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेंगे तो एथिकल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉय से करना नामुमकिन है सेट एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल बिहेवियर इन ऑल एक्सटर्नल डीलिंग्स डीलिंग को लीड फ्रॉम फ्रंट मैनेजर शुड लीड फ्रॉम फ्रंट दैन सबार्डिनेट शुड फॉलो पर्टिकुलर बिहेवियर अगर टॉप मैनेजमेंट का बिहेवियर एथिकल नहीं होगा हाउ यू कैन एक्सपेक्ट योर विल बिहेव एथिकली?